अभी हमने लास्ट इसमें देखा था, हमने नया प्रयोग किया है कद्दू में, कद्दू में तुअर लगाने का। तो हम लोगों ने कद्दू में ही ये तुअर लगाई है, जैसे 15-15 फीट के ऊपर तुअर की लाइन है, लेकिन एक्चुअली ये हमारा एक बहुत बड़ा शेड नेट का साधन है, नेचुरल शेड नेट है हमारा, कोई प्लास्टिक का नहीं। क्योंकि हम लोग ये शेड नेट के नीचे धनिए का रिकॉर्ड उपज लेते हैं। अब वो उपज हमारी प्रति एकड़ बैटरी तो 20 ही क्विंटल है, लेकिन उसको दाम 50 रुपये से 100 रुपये किलो तक के दाम मिलते हैं। अभी बाज़ार में हम 70 रुपया किलो ये धनिया बेच रहे हैं, क्योंकि अगस्त में बोया हुआ धनिया इसको एक अक्टूबर हीट के वजह से उसका जर्मिनेशन नहीं होता, तो बाद में बहुत महंगा बिकता है ये धनिया। तो अभी हम लोगों का ये धनिया निकालने को आ गया, तो हमने पहले क्या लगाया था, यहाँ पे कद्दू लगाया था, और फिर उसी के बीच में दो कद्दू की लाइन के बीच में एक तुअर की लाइन बैठा दी थी। इस तरह से ये एक लाइन हमने तुअर की बैठा दी। अब वो तुअर बड़ा हो गया, कद्दू निकल गया। 22 अगस्त को हमने यहाँ पे धनिए की सोइंग की। हमें पता है 15 अगस्त से 25 अगस्त के दरमियान जो धनिया लगाया जाता है हिंदुस्तान भर में, उसको सबसे अधिक दाम मिलते हैं। तो कौन से वक्त किस चीज़ के दाम मिलते हैं, इसका हमारा नॉलेज है, लेकिन इसकी पैदावार कैसे बढ़े, तो हमने एक इसका नया रिसर्च किया कि इसको अगर हम कद्दू में ही लेना है तो पहले इसका लिविंग स्टैंड खड़ा कर दिया जाए, जिससे उसका शेड यानी वहाँ की वातावरण को माइक्रो क्लाइमेट बना दे। तो कौन बनाएगा, तुअर बनाएगी। तो इस तरह से हमने 15-15 फीट पे तुअर लगाई। तुअर लगाते समय हमें क्या गलतियाँ हुई, करने के बाद ही आदमी को गलतियों का ज्ञान होता है। तो हम लोगों का डिस्टेंस इसका 6-6 इंच के ऊपर होना चाहिए था, 4-4 बीज, तो तुअर की भी बहुत ज़्यादा पैदावार मिलती थी। लेकिन अभी हमारा ये 2.5-2.5 फीट के ऊपर हो गया है, हमने 2.5-2.5 फीट के ऊपर 4-4 बीज लगा दिए थे। अगर मैं ये घनी लगाता तो तुअर की भी बेहतर पैदावार मिलती। तो अभी हमारा ये नए शोध में, नए प्रयोग में क्या मिला, हमें कद्दू की फसल मिली बिना कोई लैंड प्रिपरेशन के। हमने तुअर भी लगा दिया था कद्दू में ही, बाद में जब कद्दू निकल गया तब इस जमीन को तैयार करके हमने ये अभी पूरा धनिया बोया है इसके बीच में। इस तरह से ये धनिए की पैदावार अभी हमको मिल रही है। तो अभी हम लोगों का अब इसका ये पूरा तुअर का शेड इसके ऊपर आ रहा है, तो जो अक्टूबर हीट है उसको ये कंट्रोल कर लेती है तुअर। इस तरह से धनिए की पैदावार भी हमें मिल रही है। तो अभी हम लोगों को 20 क्विंटल कम से कम इसकी पैदावार मिल रही है। 70 रुपया किलो जा रहा है। अब 70 रुपया किलो आप देखिए कि 1,40,000 का हुआ। अगर इसमें हम बोलते हैं कि खर्चा 20,000 भी निकाल दें, तो लो कॉस्ट में बीज मेरा घर का है, कोई शेड नेट बनाया नहीं, कोई इसके ऊपर पेस्टिसाइड का यूज़ किया नहीं, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र दिया नहीं। इस तरह से बिना खर्च के ये सिर्फ मार्केटिंग नॉलेज, उसका प्लानिंग, तो उसको हम लोगों ने एक ये नए प्रयोग में लाया है कि तुअर के साथ इसको लिया जाए, तो तुअर को कद्दू में लिया जाए, तो एक ही समय में हमें 3 पैदावार मिलेगी। पहली कद्दू की मिली, 8 टन कद्दू का उपज मिला। दूसरा हमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ ये धनिए की पैदावार मिल रही है। और तीसरा ये तुअर का, अब जो भी निकलेगा आगे उसका डेटा बनेगा। लेकिन तुअर लगाते समय क्या क्या गलतियाँ हुई वो इस साल के प्रयोग में हमें समझ बनी है। इस तरह से हम 3 पैदावार एक ही ज़मीन में ले रहे हैं। अब ये तुअर कट जाएगी तो अब जो भी इसका टूटा हुआ भाग है, ये धनिया जो टूट के आया, ये धनिया टूट के आया, ये फिर से ब्रांचिंग करेगा और इससे फिर सीड मिलेगा। यानी ये चौथा क्रॉप हो गया, पहला कद्दू का, दूसरा धनिए का, हरा धनिए का, तीसरा तुअर का। फिर तुअर कट जाएगी तब इसको ब्रांचिंग आके इसके ऊपर फ्लावरिंग आएगा, तो उससे धनिया भी मिलेगा, बीज मिलेगा। इस तरह से बीज का ये चौथा क्रॉप। इस तरह के रोटेशन से हम इकोलॉजी को प्रस्थापित कर रहे हैं। तो हम लोग पहले कद्दू लिया, उसका बायोमास जितना मिल सका उतना ज़मीन में मिला दिया, फिर बाद में धनिया लगाया, तो फिर तुअर लगाया। तो तुअर के ऊपर जब फूल आते हैं, क्यों इकोलॉजिकल क्रॉप बोलते हैं, इसके ऊपर हम किसी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते, तो इसके ऊपर लाखों की तादाद में मधुमक्खियाँ आती है। अब फिर बाद में ये धनिया टूट के आएगा, तो ये धनिए में फिर हम जो बीज आएगा, फूल आएंगे, उस पर लाखों मधुमक्खियाँ पनपती है, इसीलिए हम इसको इकोलॉजिकल क्रॉप भी बोलते हैं। इस तरह से हम इकोलॉजी को भी बढ़ा रहे हैं और अपनी सोच से इसकी पैदावार को भी बढ़ा रहे हैं। अभी हमें समझ इसलिए बनी कि एक लाइन घनी लगाने में आ गई, तो वो घनी लाइन का शेड भी बहुत अच्छा गिर रहा है और उसे पैदावार भी मिलेगी। तो वो लाइन ने हमें सिखाया कि तुअर को अगर कद्दू में मैं इस तरह से घना लगाता तो मेरी लाइन ऐसी बनती पूरी,
इस तरह से मुझे उसके पैदावार दोगुनी तिगुनी मिलती तुअर से। अब ये लाइन हमने इसी टाइप की सभी लाइनें लगाई है, तो वो बहुत पतला लगाया हमने। पतला इसलिए लगाया कि भाई ज़्यादा अगर घना लगाएंगे तो फिर उसकी बाड़ भी पतला लगाने से बहुत ज़्यादा होगी, ये सोच थी। लेकिन फिर बात समझ में आई कि नहीं, इसे घना लगाते तो हमें पैदावार तुअर की भी अधिक मिलती थी। दुपारी एक दीडच्या नंतर